इंसान का जन्मदिन हर साल आता है, लेकिन आप अपने जन्मदिन को क्या ऐसे वक्त में मना सकते हैं जब सैकड़ों लोगों की मौत की खबर आ गई हो? तब गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ने ऐसा ही किया। खबर आ गई थी 30 अक्टूबर की शाम की करीब 6:30 बजे कि गुजरात के मोरबी के अंदर पुल टूट गया है, पुल के ऊपर 400-500 लोग थे, नदी में गिर गए हैं, नदी में पत्थर है, कई लोग बह गए हैं, कई लोगों के मरने की खबर आ रही है। यह 6:30-7 बजे के आसपास ये खबर ब्रेक हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद गुजरात के मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी जन्मदिन की पार्टी मनाई, और ना केवल पार्टी मनाई, केक काटा, पटाखे फोड़े। अब क्या कहें, भाजपा कहती है संस्कारी पार्टी है। अब संस्कार ऐसे होते हैं क्या, किसी के मरने पर हम पटाखे फोड़ सकते हैं, किसी के मरने पर हम अपने जन्मदिन का केक काट सकते हैं? जरा सोचे इस बात को। खबर मैं आपको दिखाता हूं और बाकायदा वीडियो है, वीडियो में आपको दिखाऊंगा। राजेश साहू हैं, दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं, और एक दूसरे अखबार में भी छपा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पुल गिरने की जानकारी के बाद में भी गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री अपने जन्मदिन के जश्न में जुटे रहे, कोई इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है? क्या उन्हें 200 लोगों की मौत से भी फर्क नहीं पड़ता? इतने निर्लज व्यक्ति को तो राजनीति में होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे ही लोग राजनीति में नए नए आयाम को चूमते हैं। अब मैं दूसरे अखबार की खबर है, यही खबर है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप जरा तस्वीरों को देखिए, क्योंकि म्यूजिक बज रहा है, गाने चल रहे हैं, इसलिए मैं आपको वो चीजें नहीं दिखाऊंगा, आवाज वो नहीं दिखाऊंगा। आप जरा फुल स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, यहां पर स्वास्थ्य मंत्री साहब वो केक काट रहे हैं, केक काटते हुए स्वास्थ्य मंत्री आ रहे हैं, और फिर गगनचुंबी आतिशबाजी, देखिए कितना अद्भुत नजारा है, जबरदस्त नजारा। वहां पर लोगों की चीखें निकल रही थी और यहां पर पटाखे फूट रहे हैं। इससे जबरदस्त, इससे भयानक जश्न कोई मना सकता है क्या? मुख्यमंत्री, यहां पर स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद बोलना चाहिए। खुद योग नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक प्ले कार्ड उनकी तरफ से भेजा जाना चाहिए, हैप्पी बर्थडे। इतने लोगों के ऊपर, इतने लोगों की मौत के ऊपर आप जन्मदिन मना सकते हैं, बहादुरी का काम है, कोई सामान्य आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता। खबर मैं आपको दिखाता हूं, नव भारत टाइम की खबर भी है। मोरबी ब्रिज कोलैप्स, जब ब्रिज गिरा तो अस्पताल जाने की जगह बर्थडे केक काट रहे थे स्वास्थ्य मंत्री, आपने लगाया बड़ा आरोप। और नव भारत टाइम ने जब मंत्री साहब को फोन किया तो फोन बजता रहा, घंटियां खनखनाती रही, जवाब नहीं मिला। जवाब देंगे कैसे, किस मुंह से देंगे? इनको लगा था कि शायद तस्वीरें वायरल नहीं होगी, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत है, सोशल मीडिया की ताकत है, और तस्वीरें वायरल हो गई, बाहर आ गई तस्वीरें, और बाहर आते ही बीजेपी का चेहरा बाहर आ गया, पोस्टर से बाहर आ गया बीजेपी का चेहरा। सोच करके देखिए, मोदी जी कहते रहे कल, मेरा मन दुखी है, मैं अंदर से बहुत दुखी हूं, लेकिन मजबूरी में आना पड़ रहा है कर्तव्य पथ पर चलते हुए। स्वास्थ्य मंत्री कौन से कर्तव्य पथ पर थे कि उनको जन्मदिन का केक काटना जरूरी था? स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मेदारी यह बनती थी कि वो अपने काफिले को अस्पतालों की तरफ मोड़ दे, मोरबी की तरफ मोड़ दे, और जाकर के वहां पर अस्पतालों में जायजा ले कि जो घायल है उनको उपचार ठीक से मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। तब वो लोग बताते कि बर्थडे कैसे मनाया जाता है, पटाखे कैसे फोड़े जाते हैं, आतिशबाजी कैसे होती है, वहां के लोग बताते। वहां पर तो आतिशबाजी वैसे ही हो रही थी, लोगों की चीख पुकारे इतनी निकल रही थी कि कोई आदमी शांत नहीं बैठ सकता। लेकिन आप कितने मजे से केक काट रहे थे, कितने मजे से पटाखे छुड़वा रहे थे, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा? अब देखिए मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए आप। मंत्री जी जो हैं वो महसाणा के विसनगर से विधायक है, ऋषि पटेल, पिछले साल सितंबर 2021 में कैबिनेट मंत्री बने थे। देखिए नई जो है वो खुमारी है, मोदी जी ने एक बड़ा करिश्मा किया था, मोदी जी ने पूरी कैबिनेट को उठा करके नई कैबिनेट को ले आए थे और लोगों में संदेश दिया कि देखिए नई कैबिनेट है आपके लिए, 18-18 नहीं बल्कि 19-20 घंटे काम करेगी।
और आपराधिक अधिकारिक, आपराधिक नहीं अधिकारिक, आपराधिक काम कैसे कर सकते हैं, इतने भले आदमी हैं ये। आधिकारिक कार्ड में 30 अक्टूबर होता है बर्थडे, तो बर्थडे की तो डेट ठीक है, लेकिन उसी डेट को ना जाने क्यों इतने लोगों ने खलल डाल दिया। वरना मंत्री जी तो टीवी में फोटो भी भेजते बाकायदा, और फिर बाकायदा चलवाते वहां पर टीवी के अंदर कि मंत्री जी हुए इतने साल के काकड़ा केक, इतने 51 किलो का 61 किलो का केक काटा, इतने लड्डू बांटे, ये सब कुछ तो होता ना, लेकिन क्या करें। अभी देखिए आगे जब अखबार ने पूछा, अखबार ने देखिए यहाँ पर अखबार कहता है कि केक कटिंग और आतिशबाजी हुई, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वीडियो ट्वीट किया गया उसमें स्वास्थ्य मंत्री अपने प्रशंसकों और समर्थकों के साथ में बर्थडे का केक काटते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस मौके पर आतिशबाजी भी हो रही थी। और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन ने जब स्वास्थ्य मंत्री के नंबर पर संपर्क साधने की कोशिश की, उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई, जवाब नहीं दिया, जवाब है ही नहीं, जवाब ही नहीं है ऐसे मंत्री का जो इतने लोगों की मौत की खबर आने के बाद और स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए। अब सोच करके देखिए किस तरह से, इसीलिए मैं कहता हूं इन राजनेताओं की चमड़ी कितनी मोटी होती है, कितनी मोटी चमड़ी होती है, जरा सोचिए इस बात को। और मोदी जी जब गला भर रहे थे, उनका बला बार बार गला भर करके आ रहा था, तो उस वक्त सोचिए उस वक्त को कि क्या उन्होंने खैर खबर ली कि हमारे गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या जिम्मेदारी निभाई, क्या उन्होंने खैर खबर ली ऐसे स्वास्थ्य मंत्री की, या मोदी जी ने भी हैप्पी बर्थडे बोला, मैसेज किया, ट्वीट किया, फोन किया, या उल्टी उनकी खबर ली। इस स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई होगी, कोई इस्तीफा होगा किसी का, इतने लोग मर गए, 140 लोग के करीब मर गए, कितने लोग जो है वो अभी भी अस्पताल में हैं, कितने लोग जो है उनके हाथ पैर टूट गए, किसी का इस्तीफा, किसी की जिम्मेदारी कोई सामने नहीं है। और एक सरकार थी कांग्रेस की सरकार, मैं आपको दिखाता हूं, पंकज पुनिया ने लिखा है, मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले के वक्त में यूपीए की सरकार में शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे, मीडिया में दिख रहा था कि उन्होंने 2 से 3 बार सूट बदला, न्यूज चैनलों ने इतना बवाल मचाया कि उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा, और एक आज का वक्त है जब सरकार से कोई सवाल करने को तैयार नहीं। तो किस तरह से चीजें हो रही है, बड़ा दुख का समय है ये कि ऐसे वक्त में जो है, ऐसे वक्त में जब लोगों के साथ में हमदर्दी के साथ में खड़ा होना चाहिए, उस वक्त में सबसे संस्कारी पार्टी और मौजूदा सत्ताधारी पार्टी, उसके मंत्री, उसके स्वास्थ्य मंत्री, सबसे महत्वपूर्ण तो स्वास्थ्य मंत्री का पद है उनके पास, कोई और सामान्य विधायक होते या और सामान्य मंत्री होते तो शायद इतनी बात नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मंत्री जी का बर्थडे था, कम से कम बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। कुछ लोग मर गए तो मर गए, क्या करें। क्योंकि एक बार मुझे याद आता है उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसी घटना हुई थी गोरखपुर के अंदर, और गोरखपुर के अंदर सिद्धार्थ उस समय योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री थे, और उन्होंने एक बयान दिया था, उनसे पूछा गया, डॉक्टर कफील खान का जो मामला आपको याद होगा, बच्चों की जो है मौत हो गई थी, तो सवाल पूछा गया, तो सवाल के जवाब में मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री थे उस वक्त में वो भी, उन्होंने कहा कि अगस्त में तो बच्चे मरते ही हैं, वो भी भाजपा की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, वो भी स्वास्थ्य मंत्री थे, ये भी स्वास्थ्य मंत्री है, क्या क्रोनोलॉजी है, संयोग कहें या प्रयोग कहें। खबर को आप आगे बढ़ाइए केवल इस बात के लिए, लोगों की सोचने समझने की जो शक्ति खत्म हो गई है वो थोड़ी जागृत हो, लोग सोचे समझें कि क्या वाकई जो संस्कारी होने के दावे हैं क्या वो सही है या पूरी तरह से ढोंग है, ढकोसला है। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, इस खबर को खूब शेयर करें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।